सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मुझे आ रहे थे कि सर बोर्ड द्वारा जो शीट दी जाती है बोर्ड की कक्षा में टेंथ क्लास के लिए, उसमें हाशिया कैसे लगाएं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे कि हमें बताया जाए कि उस शीट पे कैसे हाशिया लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो शीट हमें बोर्ड द्वारा दी जाती है इसकी लेंथ जो है, ये आपकी लेंथ है, ये है 36 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है वो है 26 सेंटीमीटर। ये इतनी बड़ी शीट होती है, जबकि नॉर्मल साइज़ की शीट जो हम यूज़ करते हैं, जैसे ये हम शीट यूज करते हैं ड्राइंग शीट पे अपने लिए स्कूल में हम यूज करते हैं, इसका जो इसकी लेंथ होती है 32 और ब्रेड्थ होती है 25.5 सेंटीमीटर। मतलब ये शीट हमारे पास इतनी छोटी रह जाती है लेंथ साइड में, ये इसलिए हमारे पास छोटी रह जाती है। ये शीट जो बड़ी होती है ये यहाँ हमने इसमें राइट साइड में अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखना होता है। इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपकी शीट है जो बोर्ड द्वारा हमें दी जाती है, इसमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर छोड़ करके यहाँ से राइट साइड में 7 सेंटीमीटर छोड़ दो इस तरह से, और इसमें यहाँ पे लाइन लगा दो इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अब जो शीट आपके पास बच गई है, ये शीट काफ़ी है स्केल बनाने के लिए। अगर स्केल में लेंथ ज़्यादा है जो आप स्केल बना रहे हैं तो शीट इधर को रहेगी, तो भी आपने यहीं पर अपना नाम रोल नंबर अंक और शब्दों में लिखना है इस साइड। और यदि आपके पास स्केल की हाइट ज़्यादा है और लेंथ कम है तो आपने इस तरह घुमा करके यहाँ ऊपर जो है अपना नाम रोल नंबर अंक और शब्दों में लिखना है इस तरह से। यही आपके पास तरीका है सबसे बढ़िया इस शीट को यूज करने का। आपने यहाँ पे लेंथ साइड में पहले इसको रखना है और यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट देना है। बच्ची जो ये 4 सेंटीमीटर आपने काटा है इसमें आपने यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब जो आपकी शीट बच गई है इसमें आपने हाशिया लगाना है। अब मैं आपको हाशिया लगाना बताता हूँ। हाशिया हम लगाते हैं 1 सेंटीमीटर का नॉर्मली, तो हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़ना है इस तरह से, और यहाँ पे भी हम 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे इस तरह, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसमें लाइन लगानी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने लाइन ऊपर से नहीं लगानी है, 1 सेंटीमीटर छोड़ के हमने लाइन लगानी है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, ये आप देख सकते 26 था, 25 पे मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने 1 सेंटीमीटर। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम जो लाइन लगाएंगे वो हमें बिल्कुल भी रबड़ का यूज हमें इसमें नहीं करना पड़ेगा इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, हमने निशान लगा दिया 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे। जब हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमने 1 सेंटीमीटर पहले ही छोड़ देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर पीछे से हमने लाइन लगा दी यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे 25 पे, ये आप देख सकते हैं। अब जब हम यहाँ मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे नाप, हमने पहले ही नाप लिया है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से, और हमने यहाँ पे रबड़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे भी हम इसी तरह से लाइन लगा देंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं ये हमारा हाशिया लग चुका है। इसी तरह से आपने भी जो है बोर्ड की शीट में इस तरह से आपने इसमें हाशिया लगाना है। ये हमारा स्केल के लिए जो है वो कागज बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये बाहर का आपका हाशिया लग चुका है, यहाँ अपने रोल नंबर और नाम अपना लिखना है। इस तरह से आपने बोर्ड की जो आपकी शीट है उस पर आपने हाशिया लगाना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपका इसमें काम कर सकते हैं। अब आप इसको लेंथ में यूज करो चाहे आप इसको हाइट में यूज करो, हाइट में आप यूज करना चाहें तो आप हाइट में भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे अपना एड्रेस नाम रोल नंबर लिख सकते हैं और नीचे आप इसमें काम कर सकते हैं, और यदि आपकी लेंथ ज़्यादा है तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे अलावा यदि आपने और कुछ पूछना है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आपने पूछा था कि बोर्ड द्वारा जो हमें शीट दी जाती है उसके ऊपर हम हाशिया कैसे लगा सकते हैं, तो ये तरीका हमारा है बोर्ड द्वारा दी हुई शीट पे हाशिया लगाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।